हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक वर्मा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे टेक ग्रो 2.0 पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि विंडो 10 में से ऑटोमेटिक अपडेट को कैसे परमानेंटली डिसेबल करते हैं। बार बार आपकी ऑटो अपडेट हो जाती है, आपकी एप्लीकेशन जो आपकी विंडो है ऑटो अपडेट हो जाती है, जो आपका डाटा भी यूज करती है और आपके सिस्टम को भी स्लो करती है। तो कैसे आप उसको परमानेंटली क्लोज कर सकते हैं, परमानेंटली डिसेबल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक काम करना है कि आप अपने वाईफाई में जाएं, वाईफाई जो भी आपने कनेक्ट किया हुआ है वाईफाई, उसकी प्रॉपर्टीज पे जाएं। ये सबसे पहले आप काम करें और वहां पे जाने के बाद जो भी वाईफाई है उसे सेट एज मेटर्ड कनेक्शंस पे ऑन कर लीजिए। ये बहुत ही एक अच्छी ट्रिक है। ये क्या करती है, आपके डाटा को यूज करती है, जो आपका डाटा बैकग्राउंड में चलता है उसको भी यूज करती है। तो इससे आपका सिस्टम भी स्लो होता है और आपका डाटा भी काफी ज्यादा यूज होता है। अगर आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आपका डाटा यूज हो रहा है और आपका सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है, तो आप इसे सेट एज मेटर्ड कनेक्शन ऑन कर दीजिए ताकि आपका डाटा कम यूज हो। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इफ यू सेट ए डाटा लिमिट विंडोज विल सेट द मेटर्ड कनेक्शन सेटिंग फॉर यू टू हेल्प यू स्टे अंडर योर लिमिट। लिमिट में डाटा को ये यूज करेगा। तो सबसे पहले तो ये सेटिंग कर लीजिए। सेकेंड हम चलते हैं, अब हम विंडो अपडेट। सबसे पहले क्या होता था कि जो लास्ट विंडोज होती थी उसमें सेटिंग में जाके और विंडो अपडेट में जाके यहीं से आप विंडो को परमानेंटली डिसेबल कर पाते थे। बट अभी यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है परमानेंटली डिसेबल करने का विंडो को। तो उसके लिए हम एक ट्रिक करेंगे। ट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रेस करेंगे विंडो के साथ आर, जो आपका रन यूज होता है, आप विंडो के साथ आर प्रेस करें और यहाँ पे आपको जाना है services.msc। ये आपको यहाँ पे टाइप करना है services.msc एंड ओके कर देना है। तो आपके पास ये विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। या फिर आप यहाँ पे जाएं स्टार्ट पे और यहाँ पे लिखें सर्विसेज, तो यहाँ पे आपके पास एक ऐप ओपन हो जाएगी। आप इसे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें तो भी आपका वही विंडो ओपन हो जाएगी। या फिर कंट्रोल पैनल में आप जा सकते हैं और यहाँ पे मिलेगा आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, इस पे क्लिक करें और यहाँ पे मिलेगा सर्विसेज। सर्विस पे क्लिक करने के बाद आप इसे रन एज कर सकते हैं तो भी आप इस विंडो पे पहुंच सकते हैं। क्लियर। तो उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे काफी सारी आपको ऐप मिलेगी। आप यहाँ पे नीचे आए, आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा विंडो अपडेट का। तो सबसे पहले आपको विंडो अपडेट को यहाँ से डिसेबल करना है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे अनेबल है और आप इसे राइट क्लिक करें और यहाँ पे प्रॉपर्टी पे जाएं, अगर ये सर्विसेज आपकी स्टार्ट है, अगर यहाँ से स्टार्ट है तो सबसे पहले तो इसे स्टॉप करें। स्टॉप करने के बाद यहाँ पे जाएं स्टार्टअप टाइप, जो फर्स्ट टैब है जर्नल, इसमें मिलेगा स्टार्टअप टाइप। ऑटोमेटिक को आप यहाँ से मैन्युअली भी नहीं करना, आपको डिसेबल करना है। इसको आप यहाँ से डिसेबल कर दें ताकि आपकी ऑटोमेटिक अपडेट डिसेबल रहे यहाँ से। उसके बाद रिकवरी पे जाएं और यहाँ पे फर्स्ट फेलियर को आप क्लिक करके टेक नो एक्शन कर दें और रिसेट फेल काउंट आफ्टर आप इसे जीरो कर दें ताकि वो इस चीज को दोबारा से रिसेट ना करें। ओके करें। ओके करने के बाद आप इस विंडो को क्लोज करें। ये तो हो गया कि किस तरीके से आपको विंडो को डिसेबल करना है। सेकेंड मेथड, अब बात करते हैं सेकेंड मेथड की। सेकेंड मेथड में आपको क्या करना है, दोबारा से आपको यहाँ पे स्टार्ट पे जाना है या फिर विंडो के साथ आर प्रेस करना है और आपको जाना है जीपी एडिट, ग्रुप पॉलिसी एडिटर के अंदर। आप इसे ओके करें जीपी एडिट में जाने के बाद। ओके करने के बाद आपको करना क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट पे जाएं, यहाँ पे जाए विंडो कंपोनेंट पे क्लिक करें। अब नीचे आए, यहाँ पे आपको मिलेगा विंडो अपडेट। इस एरो पे क्लिक नहीं करना, विंडो अपडेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्फिगर ऑटोमेटिक अपडेट। इस पे आप यहाँ पे जाएं, आप इसे बड़ा करके देख सकते हैं कॉन्फिगर ऑटोमेटिक अपडेट, राइट क्लिक करें, आप इसे एडिट करें। एडिट करने के बाद आपके पास ये विंडो ओपन होगी, यहाँ पे आपका अनेबल होगा, आप इसे डिसेबल कर दें। कॉन्फिगर ऑटोमेटिक अपडेट को आप डिसेबल करें, देन अप्लाई एंड देन ओके। ये भी आपके एक स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप है कि इसकी रजिस्ट्री में जाके इस विंडो अपडेट को ऑफ करना है। तो उसके लिए भी आप यहाँ पे जा सकते हैं और आप लिख सकते हैं REG एडिट, रजिस्ट्री एडिटर में आपको जाना है। आप इसे ओपन करें, यस करें और यहाँ पे जाने के बाद आपको जाना कहाँ पे है आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे
इस तरीके से आपको ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है एच की लोकल मशीन, इसको क्लिक करना है। उसके बाद सॉफ्टवेयर्स पे जाना है, यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा। सॉफ्टवेयर के बाद आपको जाना है पॉलिसीज में, यहाँ पे आपको पॉलिसी मिलेगा। पॉलिसीज बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट मिलेगा, इसमें जाना है। और नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा विंडोज, यहाँ पे जाना है आपको विंडोज पे। विंडोज पे आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें, एक की जेनरेट करें और की का नाम आप यहाँ पे रिनेम करें और यहाँ पे लिखें विंडोज अपडेट। उसके बाद एंटर करें। एंटर करने के बाद इस पे दोबारा से राइट क्लिक करें, न्यू पे क्लिक करें, फिर से की करें और इसका नाम लिखें AU कैपिटल में, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करें, न्यू पे क्लिक करें और डी वर्ड 32 बिट वैल्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे आप लिखें नो ऑटो अपडेट। और इस पे फिर राइट क्लिक करें और मॉडिफाई पे जाएं और यहाँ पे वैल्यू को 1 कर दें एंड ओके करने के बाद आप इसे क्लोज करें। और क्लोज करने के बाद आप अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करें, यहाँ पे जाके आप अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करें और उसके बाद आपकी विंडो ऑटोमेटिकली अपडेट कभी नहीं होगी। बट उसके बाद भी ये रजिस्ट्री में जो हम जाते हैं, जो हमने यहाँ पे REG एडिट किया है, यहाँ पे जाने का एक रिस्क भी है। यहाँ पे कुछ आप डाटा को लॉस भी हो सकता है आपके डाटा का। तो आप ट्राई करें कि महीने में या 2 महीने में 1 से 2 बार आप अपनी विंडो को आप मैन्युअली अपडेट करें, ताकि वो अपडेशन भी आपकी विंडो में आती रहे और आपकी विंडो स्मूथली वर्क करती रहे। तो ये था आज की वीडियो में कैसे आप डिसेबल कर सकते हैं अपनी विंडो को, विंडो अपडेट को विंडो 10 में। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल पे जाएं, TechGuru 2.0। यहाँ पे आप और भी वीडियोस को देख सकते हैं और आप वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आप इसको बहुत अच्छे से और आगे भी सीख पाएंगे। अगर आपके पास कोई टॉपिक है मेरे लिए कि जिस टॉपिक में आप चाहते हो कि वीडियो बनाऊं, तो प्लीज मेरे को टॉपिक सजेस्ट करें, मैं सेम टॉपिक पर ट्राई करूंगा कि आपके लिए मैं वीडियो को बनाऊं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो